नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। बस स्टैंड की इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं और आपको बता दे चले कि इस वक्त ठीक हम जम्मू के बस स्टैंड में यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बस को यहाँ पर सीज किया है और क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर एक बस को जो है वो सीज किया है। ये वो बस है, तस्वीर में आप देख सकते हैं JK21C0449। ये बस है जिसे यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने सुबह सुबह जो है वो सीज किया है। पूरा मामला जानने की कोशिश करें। सर, क्या पूरा मामला हुआ? नमस्ते जी, मेरी बस चल रही है सर, पलाह लड्डू जम्मू। ये परमिट लगे दा है, TC साहब ने परमिट दिता है, 2x2 गड्डी है। इतों बस स्टैंड का परमिट है जम्मू टू पलाह आले का। इतों ये गड्डी वापस जा रही ही, ट्रैफिक वाले आए ने इतने, एक साहब ने SI साहब बस स्टैंड की ड्यूटी है, उन्हें पहले भी 3-4 चलान करते हैं मेरी गड्डी की जिद्दी करना कुसा के आखने पर। मेरी गड्डी रोज़ चलान करते हैं, गड्डी च एक कागज़ नहीं छड़े आ रहे हैं, रोज़ चलान। अज जो गड्डी जी है पूरी सील करी उड़ी है। क्यों सीज की थी, क्या वजह दस्सी? पता नहीं सर, कोई पता नहीं, इन्हें कुसा ने आखे था भाई गड्डी चलती है इतना। TC साहब ने परमिट दिता था, असं परमिट लिया, अस गड्डी का रोड टैक्स देने, हर एक चीज दें, गड्डी रूट पर चला दें। इतों का परमिट है गड्डी का जम्मू टू पलाह आले का, इतों का गड्डी भरी है पलाह आले जा रही ही। यह आए ना साहब, इन्हें गड्डी सीज करी उड़ी है, गड्डी के डॉक्यूमेंट भी दिते, लाइसेंस भी दिता, चलान करी सकते अगर असें कोई रूट की वायोलेशन की है, कोई चलान करी सकते। सानू इन्हें जिद्दी करने साड़ी गड्डी सीज की है, ये साढ़े कहने जिद करते हैं, पता नहीं के जिद है के नहीं है। अगर भी इन्हें पूरे पूरे चलान में दसना तो पूरे पूरे चलान इन्दे को 4-5 चलान ने जेड़े इन्हें किए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ड्राइवर हैं जिनकी गाड़ी को यहाँ पर जो है वो आज सीज किया गया है। और ये बस स्टैंड की इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी इन्हें जो है वो इसी जगह पर कई सारे चलान किए गए हैं, लेकिन आज इनकी गाड़ी को यहाँ पर सीज किया गया है और जिसके चलते ये काफी ज्यादा परेशान है। आप देख सकते हैं ये वो चलान है जो यहाँ पर जो है वो इन्हें इससे पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन आज फिर से इनकी गाड़ी को यहाँ पर सीज किया गया है और जिसके चलते ये काफी ज्यादा नाराज हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक पुलिस आपको हरासमेंट कर रही है क्या? हाँ जी, हरासमेंट कर रही है जी। हम अपने बच्चे पालने के लिए ये काम कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, पूरा दिन लोगों से झगड़ा करते हैं बच्चों के लिए, और ये हमें परेशान करते हैं इधर। अगर गाड़ी कोई रोड में जाम लगा तो बता दो, आप भी देखो साइड में गाड़ी लगी है, सभी गाड़ियां लगी हैं इधर, ये जानबूझ के परेशान करते हैं, हरासमेंट करते हैं जी। कौन से वो ऑफिसर है बताएंगे? ऑफिसर का नाम मेरे को पता नहीं, उनकी बस स्टैंड ड्यूटी है, इधर बस स्टैंड में है वो, नाम पता नहीं क्या है उनका। थापा साहब तो नहीं है? हाँ जी, थापा साहब तो नहीं, एक थापा भी थापा साहब नहीं, कोई और साहब है कोई, ये बस स्टैंड पे बताएंगे क्या पूरा मामला हुआ, बताएंगे सर। कोई बात नहीं सर, गाड़ी को सीज कर दिया सर। हाँ, किया हमारे बेले, और किसी को नहीं किया, सिर्फ आपकी गाड़ी को। हाँ, हमारी गाड़ी को दिया सर, हमारी गाड़ी को इतने चलान किए है, देखो ये सभी चलान इन्होंने किए है, सभी चलान किए है, कहाँ से देने पैसे इतने? कमाएंगे तो पैसे देंगे, कमाएंगे नहीं तो पैसा कहाँ से देंगे? चलान देखो कितने हुए, कोई गलती है हमारी तो बता दो, कोई गलती है तो, बिना गलती ऐसे ही हरासमेंट कर रहे हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले। सभी गाड़ी चल रही है शामरू, इसी गाड़ी का चलान हो रहा है, कोई हमारी अकेले गाड़ी नहीं चलती, 300 गाड़ी चलती है। ये हमारे साथ कोई पता नहीं, कोई जाति दुश्मनी इनकी क्या है, रोज चलान कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने आज जम्मू के बस स्टैंड में जो है वो एक गाड़ी को यहाँ पर सीज किया है, और अब ट्रैफिक पुलिस के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों इस गाड़ी को जो है वो सीज किया गया है, और इससे पहले भी कई सारे जो है वो चलान यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन वजह क्या कुछ रही है उसके बारे में कोई भी किस तरह की जानकारी जो है वो अब तक सामने नहीं आ पाई है। ये ट्रैफिक पुलिस का नाका यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर एक गाड़ी को जो है वो सीज किया जाता है, एक बस को सीज किया जाता है, और वजह क्या कुछ रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन नाका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगाया गया है। अगर आप भी इस रूट से निकल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो आपके खिलाफ भी हो सकती है। आपको वजह नहीं बताएगी कि क्यों आपका डॉक्यूमेंट पूरे थे? पूरे डॉक्यूमेंट है, इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट सीज किए हैं, आगे भी चलान कर करके ना पूरे डॉक्यूमेंट। ऐसे सब क्यों इनकी गाड़ी को सीज किया गया? इनको पता है क्यों हुई है? इनको पता है सारा मामला इनके ड्राइवर को सब पता है, क्यों हुई है क्यों नहीं हुई है सब पता है इनको। ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी इसी जगह पर इन्हें कई सारे चलान किए थे, इसको पता है क्यों हुई है, चलान किए हैं, कोई वायलेशन की होगी तभी चलान किए हैं, ऐसे कैसे चलान करने हैं? और गाड़ियों को चलान नहीं हुए, इसको क्यों हुआ?
थोड़ी देर पहले एक बार हमारे पास कंप्लेंट आई थी स्टूडेंट को, ये सवारी को बिठाते नहीं है क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं बेचारे उनसे हाफ किराया होता है, ये हाफ किराया लेना नहीं चाहते हैं। तब भी इसको मैंने चलान किया था, अप्रॉक्सीमेटली 19-20 सवारी ओवरलोड थी बिना स्टूडेंट के। ये जो स्टैंड है ये स्टैंड नहीं है, ये गाड़ी इधर लगा के घंटा घंटा रुके रहते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये रंग पार्किंग में गाड़ी लगी थी, रंग पार्किंग में गाड़ी सीज हुई है, ये कह रहे हैं कि रंग पार्किंग में गाड़ी। ये गाड़ी देखो कहाँ लगी है, इनकी कौन सी पार्किंग है, इधर है पार्किंग? ये जो गाड़ियाँ लगी है सभी गाड़ियाँ इनकी है, इधर पार्किंग इधर करो पूरा, मेरे को बता दो अगर किसी की भी पार्किंग है बता दो इधर। हमारी गाड़ी ही बिना पार्किंग है, बाकी ये गाड़ी पार्किंग में करो आप, इधर करो वीडियो। ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, ये पार्किंग है, इनके लिए पार्किंग है, ये गाड़ियां है, इधर आओ देखो सभी गाड़ियां देखो, ये पार्किंग में खड़ी है। ये स्टैंड है हाई कोर्ट का ऑर्डर है इनके पास, स्टैंड है ये, हम इसलिए इधर गाड़ी इधर लगाई, ये खड्डा इतना बड़ा है स्मार्ट सिटी वालों ने बनाया, उनकी वजह से बना हुआ है। इनको गाड़ियां जो पास कराने के लिए हम जहाँ पे खड़े हैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां छोड़ रहे हैं, इसलिए हम जहाँ पे खड़े हैं। कह रहे हैं कि आप स्टूडेंटों को गाड़ियों में नहीं, कोई नहीं बिठाते स्टूडेंट, सभी जाते हैं गाड़ियों के पास। शिकायत बताओ किसने दी है, कौन से स्टूडेंट ने शिकायत दी है बताओ, अपनी मर्जी जो इंसान मर्जी बोले। कहाँ से कहाँ चलती है आपकी? जम्मू से पलामवाला, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने परमा लगाया हुआ, फीस देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, पैसेंजर टैक्स देते हैं, हर एक चीज देते हैं, इसलिए रोड पे चलाने के लिए रूड है हमारा। जहाँ से गाड़ी निकल रही है इन्होंने जानबूझ के सील की है गाड़ी, आगे भी मेरे को चलान किए हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे साथ। अभी आगे के लिए क्या कार्रवाई रहेगी? उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ड्राइवर को सारा पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अगर इसे ज़्यादा कुछ पूछना मेरे सीनियर ऑफिसर ऊपर बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है, मैं इतना ही बोलूँगा, इसे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे के लिए क्या कार्रवाई करें? आगे लिए गाड़ी सीज कर दी, इसको लाइन में लेना गाड़ी को, क्या करना है जी? चलो रंग पार्किंग करने पर जी, हाँ रंग पार्किंग में गाड़ी लगी सीज की है। ये देखो ना कौन सी पार्किंग, आओ मेरे साथ आओ आप, ये देखो करो कैमरा आगे सीधे करो, जहाँ कौन सी पार्किंग है, जैसे गाड़ियाँ बाकी आ रही हैं वैसे हम भी आ रहे हैं, ऐसे देखो कौन सी। सही सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की खुद की गाड़ी कहाँ पर है वो भी आप देख लीजिएगा, और ये क्या कानून जो है वो सिर्फ आम लोगों के लिए है, ये आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की खुद की गाड़ी किस पार्किंग वाली जगह पर खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस की खुद की गाड़ी को सही जगह पर खड़ी है? जहाँ मर्जी मन चाहे ये खड़े कर सकते हैं अपनी गाड़ी, बाकी वाला कोई पैसेंजर गाड़ी है ब्रेक लगाएगा कोई सवारी चढ़ाने के लिए, उसको भी रंग पार्किंग का चलान कर देते हैं, सील कर देते हैं। पीछे देखो इधर पूरा, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ देखो आप पूरी गाड़ियाँ खड़ी है, इतने जानबूझ के इन्होंने हरासमेंट कर रहे हैं ये ट्रैफिक वाले, ये जानबूझ के हरासमेंट। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई ना कोई कार्रवाई करे इनके साथ कि ये हरासमेंट ना करे। गरीब सवारियां लेकर क्या करें? सवारियां लेकर जा रहे थे, हाँ जी सवारियां लेकर जा रहे थे, हम अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, यही हमारा काम है। आगे गवर्नमेंट ने इतनी शक्ति कर रखी है, ऊपर से ये ट्रैफिक वाले हमें परेशान कर रहे हैं, हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे, फिर क्या करेंगे हम, चोरियां करेंगे? जब हमें काम ही नहीं करने देगा कोई तो फिर क्या करेंगे, चोरी करेंगे हम और क्या करेंगे। दिहाड़ी लगा रहा आदमी, एक बच्चे हैं बीवी है उनको पालने के लिए माँ बाप है, कैसे पालेंगे उनको, 400 रुपया मिलता हमें दिहाड़ी का, वो भी है रोज चलान, आज इन्होंने मेरी गाड़ी सीज कर दी है, कैसे चलेगा काम। तो देख सकते हैं कि जम्मू के बस स्टैंड की सीधी इस वक्त की लाइव तस्वीरें, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बस को सीज किया है, और ट्रैफिक पुलिस की खुद की गाड़ी जब सही जगह पर पार्क नहीं होगी तो ऐसे में लोग किस तरह से जो है वो रूल्स को फॉलो करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं सवाल ट्रैफिक पुलिस पर है। लेकिन आप लोग अपने राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है। पूरा देखो उधर कैमरा लगाओ आप, पूरा गाड़ियां भरी हुई है, लेकिन मेरी गाड़ी इन्होंने जानबूझ के सीज की है, पता नहीं क्या परेशानी है इनको, किसने इनको बोला, कोई किसी ने बोला होगा गाड़ी के लिए, आगे मेरे को बोल रहे थे कि आपकी कंप्लेने आ रही हैं, ये बोल रहा कोई आपकी गाड़ी ये करती वो करती है, रूट परमिट लगा तो चलेगी, वो रूट पे ही चलेगी ना, हमारा रूट है ये बस स्टैंड से प्लाम वाला, जम्मू से प्लाम वाला, उसको परमिट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने दिया हुआ चलने के लिए, तो क्या लोड करके ले गए हैं, सवारी ही लेके जाने, सवारी हमारा स्टैंड है ये, कहाँ से जाएंगे। बस स्टैंड का पूरा मामला यहाँ पर अभी जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को सीज किया है, और वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि गाड़ी जो है वो रैंक पार्क की गई थी, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर गाड़ी को सीज किया है। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।